ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। बाबा हमारे लिए प्यार की सौगात लेकर आया है, सोचें भगवान का प्यार मिला हमें, परम सदगुरु का प्यार मिला हमें, वो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया है, हमारे लिए स्वर्णिम संसार रचा रहा है और इस पाप की दुनिया को समाप्त कर देगा। अपने से बात करें, हे आत्मा तुम उसे क्यों भूल जाते हो जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, तुम उसे क्यों विस्मृत कर देते हो जो तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लाया है, स्वर्ग की बादशाही लाया है, तुम उसे क्यों भूल जाते हो जो तुम्हें अपने पावन प्यार से भरपूर करता है, जिसने तुम्हारे हाथ ज्ञान से भरपूर किए हैं, तुम्हारी जन्म जन्म की खोज समाप्त कर दी है, तुम्हें ज्ञान का भंडार बना दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। सोचने की बात है, तुम उसे क्यों भूल जाते हो जो तुम्हें पलकों पर बैठा, नैनों में छुपा कर अपने घर ले जाएगा, शांति धाम ले जाएगा, जो तुम्हें कभी दुखी देखना नहीं चाहता, जो तुम्हारे दुखों के आंसू पोंछ देता है, तुम उसे क्यों भूल जाते हो जिसने अपना वरदानी हाथ तुम्हारे सिर पर रख दिया, अपनी हजार भुजाओं की छत्र छाया तुम्हारे सिर पर लगा दी और कहा, बच्चे तुम चिंता न करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है, तुम तो बस बेफिक्र बादशाह बनकर इस संसार में विचरण करो। सोचें तुम उसे क्यों भूल जाते हो जिसने तुम्हारे जन्म जन्म के कष्ट हरे हैं, जिसने तुम्हें सुखों का मार्ग बताया है, जिसने तुम्हें सुखी भव का वरदान दे दिया है, जो हमारे लिए है, जिसने हमें सुखों से भरपूर किया और इतनी बड़ी शक्ति दी कि तुम संसार के दुखों को हर लो, तुम संसार को विघ्नों से मुक्त कर दो, तुम सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दो, तुम सबके भाग्य विधाता बनकर सभी के श्रेष्ठ भाग्य को का निर्माण करो। सोचो जिसने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए, जो तुम्हारे पाप हरने आया है, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है और अपने कार्यों में तुम्हें अपना सहयोगी बना लिया है, तुम उसे क्यों भूल जाते हो ऐसे प्यार के सागर को छोड़कर, और तुम किसे याद करते हो। सोच लें जरा, आज इसी चिंतन में अपना दिन व्यतीत करेंगे, जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, हमें निश्चिंत कर दिया, सब कुछ जो हमारे लिए है, जिसने कह दिया कर, बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है। संसार में लौकिक में कोई हमें कह दे तुम चिंता न करो, कोई करोड़पति हो और हमें कह दे मेरा है सब तुम्हारा है, जब चाहे यूज कर लेना, तो हमारा उससे कितना प्यार हो जाएगा, हम कितने निश्चिंत हो जाएंगे। इधर तो स्वयं भगवान ने हमें कह दिया, बच्चे मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारे लिए हूँ, मेरा सब कुछ भी तुम्हारे लिए है, मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारे लिए है, डोंट वरी मैं बैठा हूं। तो चलें प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएं, खो जाएं उसके प्यार में, जिसने हमें सर्वस्व प्रदान किया है, जिसने हमें अपने समान महान बनाया है। आज सारा दिन हम इस तरह का चिंतन करते हुए परमात्म प्यार में मग्न रहने का सुंदर अनुभव करेंगे और साथ साथ अभ्यास करेंगे अपने पांचों स्वरूपों का, जिससे हम स्मृति स्वरूप होते जाएंगे और स्मृति स्वरूप होने से हमारी सामर्थ्यां बढ़ जाएंगी। मैं चमकती हुई आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य पवित्रता का सूर्य हूँ।
मेरा देव स्वरूप कितना डिवाइन है सामने लाएंगे, मेरा पूज्य स्वरूप दाता वरदाता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। मैं परमात्म प्यार से तृप्त हुई आत्मा ब्राह्मण आत्मा हूँ, मुझे लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता बन जाना है, मैं फरिश्ता हूँ। अपने इन पांच स्वरूपों का सुदर्शन चक्र घुमाते हुए आज के दिन को सफल करेंगे। ओम शांति।